snapping. Who's cheating? Maybe she's cheating, isn't it? I don't know, you should very hustle, I guess. Yes. Yeah. मैं बताऊं आपको पहले उनको मुबारकबाद जिनका ये कॉन्सेप्ट है जिनकी ये सोच है कि जिन्होंने यहाँ पे इसे इस्टेब्लिश किया है एंड द गाय ही हेल्स फ्रॉम करना. तो पहले मुझे बड़ा ये फख्र महसूस होता है कि उस करना से हमारा लड़का आता है उसकी ये सोच ले कि यहाँ हंदवाड़ा में उसकी टीम को उसे खुद मुबारकबाद हमारी तरफ से पूरी हंदवाड़ा की तरफ से. दूसरा जो अभी हम बात कर रहे हैं उनके साथ कि क्या है ये कॉन्सेप्ट क्या, क्योंकि जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीएससी कोई क्वालिफाई करना चाहता है वगैरह, तो उनके लिए यहाँ पे एक वो पर्टर्बेंस या वो डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी. सिर्फ उनको यहाँ पे वो फोकस्ड रहना जो चाहते हैं कि वो प्लेस मिलनी चाहिए जहाँ पर वो फोकस कर पाएँ और जहाँ पर वो सुविधाएँ उनको अवेलेबल है. जैसे रिसेंटली आपने देखा कि कुछ बच्चे जिनकी एस्पिरेशंस बड़ी ज़बरदस्त होती है लेकिन उनको वो स्पेस नहीं मिलती है, मिलती थी कि जैसे हमने देखा वो जो लड़का था जो मजदूरी करता था बेचारा, लेकिन फिर वो फिज़िक्स वाला जो उन्हें सब्सक्रिप्शन ली थी उनसे, तो लकीली उस ही फाउंड अ प्लेस देयर एंड नाउ दे आर प्रोवाइडिंग अ प्लेस टू द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द यूथ ऑफ हंदवाड़ा कि आइए यहाँ पर अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप आइए यहाँ पे, हम आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे इंटरनेट फैसिलिटी, 5G, वाईफाई, ठीक है. ये है, इट्स अ पेड मगर इट हैज़ मल्टी बेनिफिट्स. नंबर एक कि जो हमारे जवान हैं उनको उससे मुस्तफीद हो जाएंगे. दूसरा ये है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्होंने अपना मीन अपना एक ज़रिया ढूंढा है कमाई का, बट दैट्स अ लीगल मीन. एंड इससे कितना इट्स दिस रिलेशनशिप इज इट इज सिम्बियोटिक वन कि दोनों को फ़ायदा मिल रहा है आपस में.